गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस इज योर ब्रदर कुणाल। जो पहले का वीडियो मैंने बनाया था पैनल लियोनसिनो पे, फाइनली अभी पैनल लियोनसिनो लॉन्च हो चुकी है 5 अगस्त को। और जो पहले के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले में, और अब में क्या चेंजेस हैं, क्या प्राइस में चेंजेस आया है और कौन कौन से कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल है, सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। सबसे पहले अभी हम बात करें इसकी प्राइस की। जो पहले हम पहले प्रीवियस वीडियो में लॉन्च होने के पहले जो हम इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस सोच रहे थे कि 4 लाख 50,000 के अप्रोक्स होगी, बट यहाँ पर लॉन्च होने के बाद में अभी जो इसकी एक शोरूम प्राइस है 4,79,000। आई थिंक प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है इस सारे फीचर्स को लेकर के, बट थोड़ा सा हम लुक्स को और USD शॉक एब्जॉर्बर को लेकर के या फिर फ्रंट डुअल डिस्क को लेकर के थोड़ा सा प्राइस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि और अदर ब्रांड्स में मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें हमको मिल रही है, इसलिए हम थोड़ा सा प्राइस को लेकर के यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पावर थोड़ी और ज़्यादा होनी थी बाइक में, जिससे कि इस प्राइस लेवल पर ये बाइक परफेक्ट होती। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से कलर ऑप्शन इस बाइक में आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लैक, रेड और सिल्वर। तो 3 कलर ऑप्शन में आपको ये बाइक मिलती है। अब हम बात करते हैं बाइक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इंजन की, तो बाइक के अंदर जो इंजन इंस्टॉल्ड है 499cc का लिक्विड कूल इनलाइन 2 सिलेंडर 4 वोल्ट DOHC इंजन बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है विद मैनुअल 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन इंजन। पावर की बात करें तो वही सेम पहले जो मैंने आपको पावर बताई थी, 47 PS की मैक्सिमम पावर आपको इससे मिलती है, 45 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको बाइक से मिलता है। बाकी इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, जो फीचर स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था वही सेम रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले 15 लीटर का फ्यूल टैंक एक्सपेक्टेड बताया था, बट यहाँ पर अभी आपको मिलता है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी विद 2 लीटर रिजर्व फ्यूल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। तो फ्रंट में आपको मिलते हैं डुअल डिस्क ब्रेक और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, जिसमें ABS सिस्टम, इसमें डुअल चैनल ABS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टायर्स की। तो फ्रंट में जो आपको टायर साइज मिलता है 120x70 ZR17 का, और रियर में जो आपको टायर साइज मिलता है 160x60 ZR17 का। व्हील साइज जो है 17 इंचेस का है, बाकी आपको फ्रंट और रियर दोनों रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको बाइक में मिलता है। अब हम बात करें बाइक के हेडलाइट्स की। तो इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर विद LED DRL मिलता है, जो टेल लाइट है वो भी यहाँ पर आपको LED मिलती है विद LED इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसोल सिस्टम की। तो यहाँ पर हमको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, यहाँ पर तीनों चारों चीज़ें जो डिजिटल मिलती है, मतलब फुल कंसोल सिस्टम डिजिटल मिलता है। पहले की अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो प्रीवियस जो मॉडल्स इसमें ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमको एनालॉग विद डिजिटल मिलता था, बट यहाँ पर हमको फुल कंसोल जो है डिजिटल मिलता है, गियर इंडिकेटर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। और जो पहले एक तो डिफरेंस मेरे को इस बाइक में ये भी लगा, जो पहले के मॉडल्स थे उसमें हमको जो हेडलाइट में चेंजेस देखने को मिला है, पहले यहाँ पर सारी हेलोजन हेडलाइट्स यूज़ की जाती थी, इंडिकेटर LED यूज़ कर रहे थे, टेल लाइट LED यूज़ कर रहे थे, बट हेडलाइट हेलोजन ही यूज़ कर रहे थे। बट इस बार यहाँ पर बाइक के अंदर जो है फ्रंट हेडलाइट जो है यहाँ पर LED यूज़ की हुई है, तो ये डिफरेंट चीज़ है पहले से और अभी में बाइक में। बाइक मतलब पैनली की जो प्रीवियस मॉडल्स बाई ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में, उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंस मुझे लगा। और सस्पेंशन की हम नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपको USD सस्पेंशन मिलता है अपसाइड डाउन 50mm का, और जो रियर सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म लिंक्ड सस्पेंशन है, स्प्रिंग विद एडजस्टेबल, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये थे सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इस बाइक के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।